13/4/1981 दे दीजिए। जी, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन दीदी, टू टू सॉरी, वन कल लेट गया, टू पार्ट। ओके, ओम शांति। जैसे कि आज हम सब जानते हैं, प्रकाशमणि दादी का आज 17वां स्मृति दिन, तो आज स्मृति दिवस पर हम उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे और उस आत्मा से, अपनी दादी से विशेष प्रेरणाएं भी लेंगे। देखिए अपने आप को शांति वन में, वो डायमंड हॉल का बाबा का कमरा, और उसके एकदम सम्मुख वो प्रकाश स्तंभ। और प्रकाश स्तंभ के सामने मैं अपने हाथों में फूलों के साथ साथ सूक्ष्म श्रद्धा सुमन भी दादी को दिल से अर्पित कर रही हूं। उनकी बेहद और अथक सेवाओं को महसूस कर रही हूं, जैसे आंखें भी नम सी, मन भी जैसे दिल भी जैसे गदगद हो चुका है दादी की एक-एक विशेषता को स्मृति में लाकर, उनका वो सबके प्रति प्यार, वो बाहें फैलाकर सबको अपनेपन की, बाबा के निस्वार्थ प्रेम की महसूसता दिलाने वाली प्यार की मूरत दादी, यज्ञ रक्षक दादी, यज्ञ स्नेही दादी, सारे विश्व को बाबा के प्यार के धागे में बांधने वाली दादी, जो निमित्त भाव दादी के रग रग में भरा हुआ था,
मैं निमित्त हूं इसकी भी, विस्मृति रखने वाली दादी। इस निमित्त भाव से निर्माण रहकर यज्ञ के विस्तार को निर्माण करने वाली दादी, सबके प्रति मन को निर्मल रखने वाली, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, किसी के भी प्रति कोई मैल नहीं, स्वच्छ जिसका मन था, सत्यता जिसकी पहचान थी, ऐसी हमारी दादी। बाबा से प्राप्त की हुई सत्यता, प्रेम, पवित्रता, इन सब का प्रकाश सारे विश्व में फैलाने वाली दादी। खुद सदा लवलीन रहकर प्रेम की, स्नेह की, प्यार की मूरत कहलाने वाली दादी। पालना देकर परिवार से जिसने छोटी मम्मा का टाइटल प्राप्त किया, ब्रह्मा बाप समान अपनी हड्डी हड्डी दधीचि ऋषि मिसल यज्ञ में स्वाहा की। ऐसी दादी को, हमारी दादी को, अपनी दादी को, दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि दादी की ये सारी विशेषताएं आज के दिन मुझे भी प्राप्त हो रही है। शांति। ओम शांति। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 13 अप्रैल 1981, 13/4/81। मुरली का हेडिंग रूहे गुलाब की विशेषता, और आज की डेट है 25 अगस्त 2024।
मुरली का पहला भाग कल हो चुका है, रूहे गुलाब की विशेषता। तो उसमें बाबा ने तकरीबन 10 बातें बोली थी मेन मेन, कि मैं रूह हूँ, हर संकल्प भी सुप्रीम रूह के श्रीमत के बिना चल नहीं सकता। मैं करनहार, वह करावनहार, मैं चल रहा हूँ, वो चला रहा है। ऐसी तकरीबन 10 बातें थी, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें टीचर्स के साथ मुलाकात, तो बाबा ने उसमें कहा है कि मेरा संस्कार मेरा बंधन ऐसे नहीं। हाँ, जैसे बाबा निर्बंधन है वैसे मैं, क्योंकि बाबा ने क्या कहता है टीचर्स को, गद्दी नशीन जैसे बाबा है वैसे टीचर्स है ना। तो कुछ बाबा ने इसमें समझाने भी दी है, कह सकते हैं डायरेक्शन भी दी है टीचर्स के लिए, निमित भाव का भी बाबा ने इसमें बताया है, कुछ पाठ पक्का करने की बात की है, सदा करण करावनहार की स्मृति स्वरूप ये निमित को रहना पड़ेगा। तो हम आज टीचर्स के साथ भाग 2 पढ़ते हैं। बाप दादा सर्वनिमित्त बने हुए सेवाधारियों को किस रूप में देखना चाहते हैं, यह जानते हो? बाप दादा सर्व सेवाधारियों को सदा अपने समान, जैसे बाप कर्तव्य के कारण अवतरित होते हैं, वैसे हर सेवाधारी सेवा के प्रति अवतरित होने वाले सब अवतार बन जाएं। अवतरित होने वाले सब अवतार बन जाएं। अभी टीचर बनाया है तो बाबा को क्या एक्सपेक्टेशंस है, कि जैसे बाबा वैसे वो। एक अवतार ड्रामा अनुसार सृष्टि पर आता तो कितना परिवर्तन कर लेता, वह भी आत्मिक शक्ति वाले, और यह इतने परमात्मा शक्ति स्वरूप चारों ओर अवतार अवतरित हो जाए तो क्या हो जाएगा, सहज परिवर्तन हो जाएगा। ये जो धर्म स्थापक को भी अवतार कहते हैं ना, समझो, तो बाबा का कहने का भाव कि एक आता है और वो भी आत्मिक शक्ति से सब करता है, तो इतना वो महान कहलाता है, महिमा योग्य बनता है, इतना परिवर्तन लाता है। और हम लोग तो कौन है, परमात्मा शक्ति को अपने साथ रखने वाले, आत्मिक शक्ति प्लस परमात्मा शक्ति। तो क्या हो जाएगा, बाबा कहे सहज परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, जब चाहे आए जब चाहे चले जाए, निर्बंधन है। ऐसे सब सेवाधारी शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त, जब चाहे जैसे चाहे वैसा संस्कार अपना बना सके, जैसे देह को चलाने चाहे वैसे चला सके, जैसा स्वभाव बनाना चाहे वैसा बना सके। ऐसा नहीं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं, मेरा संस्कार मेरा बंधन ऐसा है, नहीं। अगर देखो बाबा कहे तो मैं तो एवर प्योर हूं, मैं थोड़ी ना आऊंगा इतनी गंदी दुनिया में, वो भी कहाँ इतने गंदे शरीर में, इतने जड़जड़ीभूत शरीर में 60 साल के बाद, और उससे भी बढ़कर ऐसी आत्माओं को मैं थोड़ी प्योर बनाऊंगा। मेरा तो एवर प्योर का संस्कार है, ये आसुरी संस्कार वगैरह तो। हाँ, अगर बाबा ऐसा कहे तो देखो, तो बाबा क्या कर रहा है आज, धीरे धीरे अपने जैसा, कि भाई मैं ऐसा हूं ना, अवतार लेकर आता हूँ और निर्बंधन हूँ किसी भी बात का, वैसे तुम, मेरा संस्कार मेरा बंधन ऐसा है, नहीं।
लेकिन ऐसे निर्बंधन जैसे बाप निर्बंधन है। कई सोचते हैं हम तो जन्म मरण के चक्र के कारण शरीर के बंधन में हैं, लेकिन यह बंधन है क्या? अब तो शरीर आपका है ही नहीं। अब बाबा स्मृति दिला रहा है, तो हमने क्या क्या कहा था? अब तो ये शरीर आपका है ही नहीं, फिर बंधन आपका कहाँ से आया? है ना, जिसके कारण बंधन समझते हैं वो तो आपने मुझे दे दिया शरीर, फिर बंधन काहे का? नहीं, जब मर जीवा बन गए तो शरीर किसका हुआ? तन मन धन तीनों अर्पण किया है, या सिर्फ दो को अर्पण किया, एक को नहीं? जब मेरा तन ही नहीं, मेरा मन ही नहीं, तो बंधन हो सकता है? क्वेश्चन भी नहीं पूछा है बाबा ने, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। यह भी कमजोरी के बोल है, क्या करे, जन्म जन्म के संस्कार है, शरीर का हिसाब किताब है। लेकिन अब पुराने जन्म का पुराना खाता संगम युग पर समाप्त हुआ, नया शुरू किया। अभी उधर का पुराना रजिस्टर समाप्त हो गया या अभी तक संभाल कर रखा है? खत्म नहीं किया है क्या? तो समझा बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? बाप समान की बात अगर है तो हमने कहा ना कि एक एक छोटी छोटी बात के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे बाप समान में जो सबसे पहला पाठ है कि जो कोर्स में भी बताते हैं कि आत्मा, तो आज ऐसे ही हुआ कि बाबा शरीर में भले ही आते हैं, बाबा भूलते थोड़ी है कि मैं आत्मा हूं या परमात्मा हूं, नहीं, पर हम भूल जाते हैं। तो इसमें अगर हम बाप समान बन जाए तो एकदम नब्ज ही पकड़ ले बात को, नहीं भूलना ही नहीं है कि हम आत्मा हैं, तो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इस बात की। और फिर दूसरी बात कि परमात्मा की संतान है, लवलीन है, कंबाइंड है, साथ है, ठीक है। इतने सब अवतार प्रकट हो जाए तो सृष्टि पर हलचल मच जाएंगी ना। अवतार अर्थात ऊपर से आने वाली आत्मा, अवतार का मीनिंग बता रहे बाबा, अवतार अर्थात ऊपर से आने वाली आत्मा मूल वतन की स्थिति में स्थित हो, ऊपर से नीचे आओ, देखा, मूल वतन की स्थिति में नीचे से ऊपर नहीं जाओ, है ना। अवतार माना ऊपर से नीचे आया है, और ऊपर फिर कहां से? मूल वतन से है ही परम धाम निवासी आत्मा, सत्व प्रधान आत्मा, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में रहो। तो परम धाम, ये बात जरा अंडरलाइन करके ध्यान में रखिएगा कि परम धाम निवासी आत्मा, सत्व प्रधान आत्मा, परम धाम एग्जिस्ट करता है, परम धाम है, और वो स्थूल वतन में नहीं है, स्थूल वतन से परे सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन से परे छठा तत्व जो है जिसको ब्रह्म महतत्व कहते हैं, वहां पर वो है परम धाम। ऐसा नहीं सोचना 0.1% भी कि परम धाम एग्जिस्ट नहीं करता, इट डज, करता है, ठीक है। घर जाने की बात बाबा करते हैं, अगर घर ही नहीं है तो कहाँ लेके जा रहा है, मतलब फिर से भटका रहा है बाबा, नो वे, ना? घर जाएंगे और अपना घर है वो, बाबा का अपना, हम सब का घर है, परम धाम है, क्योंकि भगवान वाच्य है, ठीक है, बाबा ने बोला है। क्या बोल रहे बाबा? है ही परम धाम निवासी आत्मा, सत्व प्रधान आत्मा, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में रहो, अंत की स्मृति में नहीं रहो। अनादि आदि फिर क्या हो जाएगा? स्वयं भी निर्बंधन, और जिन्हों के सेवा के निमित्त बने हो वह भी निर्बंधन हो जाएंगे, नहीं तो वह भी कोई ना कोई बंधन में बंध जाते हैं।
शेरू भाई निकल गए हैं, पंकज भाई, मुरली अगर, हाँ आ गए। ठीक है, तो बाबा का क्या कहना है कि अगर आप निमित्त आत्माएं निर्बंधन है, हाँ वैसे तो निर्बंधन है, इसलिए बैठी है ना सेंटर पर कन्याएं, हाँ, लेकिन ये कौन से बंधन की बात कर रहे हैं बाबा? अति सूक्ष्म, मेरा संस्कार, हाँ, मेरा तन, मेरा मन। बाबा कहते हैं टीचर से बात चल रही है, और वैसे हर कोई टीचर है, बाकी किसी और का बने ना बने, खुद का टीचर तो सबको बनना पड़ता है ना। हाँ, और कोई कितना भी टीचर सिखलाए, लेकिन खुद अगर सीखना ही नहीं चाहते तो फिर भाई तो भगवान भी नहीं, भगवान को भी हरा सकते हैं हम, पता है इन बातों से, कि भाई कितना भी तुम कर लो हम नहीं बदलने वाले। कहते हैं ना इसीलिए कहावत हुई वो, कि ऊपर से भगवान भी आ जाए ना तो तुम बदलने वाले नहीं हो, इसी वजह से कहावत हुई है। ठीक है, तो हम बाबा क्या कहते हैं कि स्वयं निर्बंधन, अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। जैसे साकार बाप को देखा क्या याद रहा, बाप के साथ में भी कर्मातीत स्थिति में हूं या देवताई बचपन रूप में, अनादि आदि रूप सदा स्मृति में रहा तो फॉलो फादर, है ना। पांच स्वरूपों में भी बाबा किसके ऊपर आज दो स्वरूपों पे फोकस कर रहे, अनादि और आदि, जो अभी जाना है और जहां से पहले उतरना है, बस ये दो ही रूप। टीचर से पूछने की जरूरत ही नहीं कि संतुष्ट हो, टीचर से पूछना माना टीचर की इंसल्ट करना। क्या पूछना कि संतुष्ट हो क्या? जैसे हम कभी भी मधुबन जाते हैं और वहां पे ऐसे ही अगर किसी से पूछा अच्छा कैसे हैं आप, तो फिर उनको ही सॉरी बोलते हैं। मैंने तो मधुबन वालों को हमने पूछना कि कैसे हैं आप, ठीक नहीं है, है ना, ठीक नहीं है। एक्चुअली बाबा ने बाबा के बच्चों को पूछना, वैसे तो सारे ही है बाबा के बच्चे, पर ब्राह्मण परिवार में, कि कैसे हैं आप, ये पूछना ही गड़बड़ लगता है। कैसे मना, वही बाबा साथ हैं, बाबा की गोदी में पल रहे हैं, बाबा की छत्र छाया में रह रहे हैं, बाबा के दिल में बैठे, सिर पे चढ़कर बैठे हैं, आंखों में बैठे हैं, कंधों पर बैठे हैं, उसी के साथ खा रहे, उसी के साथ पी रहे, और कैसे रह सकते हैं। हाँ एकदम, शब्द ही नहीं समझो, है ना। तो बाबा क्या कह रहे, टीचर से पूछना माना टीचर की इंसल्ट करना, इसलिए बाप दादा इंसल्ट तो नहीं कर सकते। बाप समान निमित्त हो, निमित्त का अर्थ ही है सदा करण करावनहार के स्मृति स्वरूप। निमित्त का अर्थ ही है सदा करण करावनहार के स्मृति स्वरूप, यही स्मृति समर्थ स्मृति है। कितना ना कितना निर्बोध जीवन है देखा जाए तो, सारे के सारे उसके हो गए तो क्या ही संकल्प चलाए। नहीं मतलब हम कहते हैं ना, पत्थर से पत्थर तक का सफर है ये, लेकिन वो पत्थर और इस पत्थर में माना अपनी बुद्धि लगानी नहीं है, सब वो कराता है, बुद्धि की चाबियां, मन के ताले, हाँ संस्कारों की तिजोरियां, सब उसके हवाले। कर ले भाई जो करना है कर ले, कुछ भी सोच नहीं, असोच बना देता है वो, बट उतना समर्पण का परसेंटेज अपना होना चाहिए तो बना सकता है वो। उसको क्या चाहिए, सिर्फ सरेंडर, है ना, तुम्हारा सर अंदर को चाहिए बस, दिमाग नहीं लगाने का है। दिमाग लगाना है उसने जो महावाक्य बताए हैं उसके ऊपर मनन चिंतन करने के लिए। ठीक है, तो बाबा क्या कहे, यही स्मृति समर्थ स्मृति है, करणहार हूं लेकिन करण करावनहार के आधार पर करणहार हूं, निमित्त हूं लेकिन निमित्त बनाने वाले को भूलना नहीं, मैंपन नहीं, सदा बाप दादा ही मुख में मन में कर्म में रहे, यही पाठ पक्का है ना।
छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैपन लाने के लिए मैपन छोड़ना पड़ेगा, बात ऐसी है। तो बाबा कहे कि सदा बाप दादा ही मुख में, मन में, कर्म में रहे, यही पाठ पक्का है ना। पार्टियों के साथ पहली पार्टी, अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो क्या? उठना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे है, कार्य व्यवहार कैसे करना है, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते रहो, हर कार्य करते रहो। एक मिनट। हाँ, उसी श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कार्य करते हो क्या? हर कर्म करते हुए अपनी स्थिति श्रेष्ठ रहे, उसके लिए कौन सा एक शब्द सदा स्मृति में रखो? ट्रस्टी। ट्रस्टी, अगर कर्म करते ट्रस्टी पन की स्मृति रहे तो स्थिति सदा, तो स्थिति श्रेष्ठ बन जाएंगी। देखो ट्रस्टी में मैं ना ट्रस्ट, पहले तो ट्रस्ट शब्द को हम ये करें कि बाबा के ऊपर ट्रस्ट रखे कि वो संभालेगा सब कुछ, तभी ट्रस्टी बन सकते हैं, है ना, नहीं तो नहीं बन सकते। पता है, फिर गृहस्थी ही रहेंगे, फिर वही मैपन, मेरी गृहस्थी, मैं, क्योंकि पार्टियों के साथ माना चांसेस ज्यादा है, गृहस्थियों से ही बाबा मिल रहा है, इसीलिए ट्रस्टी शब्द यूज कर रहा है। एक्चुअली सबको ही ट्रस्टी बनना है, जो निमित्त है उनको भी और गृहस्थियों को थोड़ा पहले। ठीक है, तो बाबा क्या कहे? क्योंकि ट्रस्टी बनकर चलने से सारा ही बोझ बाप पर पड़ जाता है, आप सदा डबल लाइट बन जाते हैं, डबल लाइट होने के कारण हाई जंप दे सकते हो, अगर गृहस्थी समझते तो दुम लग जाता। कैसे बोलते हैं बाबा, सारा बोझ अपने पर आ जाता, बोझ वाला हाई जंप दे नहीं सकता, और ही सांस फूलता रहेगा। ट्रस्टी समझने से सदा, सॉरी, ट्रस्टी समझने से स्थिति सदा ऊंची रहेगी, तो सदा ट्रस्टी होकर रहने की श्रेष्ठ मत को स्मृति में रखो। दूसरी पार्टी के साथ, बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को कौन सी नंबर 1 श्रीमत मिली हुई है? नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझकर बाप को याद करो। इस महावाक्य में सारा सार है, पता है, बट उस भाव से हम उसको ले तो डिस्कशन के टाइम इसको देखेंगे थोड़ा सा डीप में। अभी आगे पढ़ते हैं, समय अनुसार करेंगे डिस्कस। तो बाबा कहे सिर्फ आत्मा समझने से भी बाप की शक्ति नहीं मिलेगी। समझा क्या, कितनी गहराई से बाप समझाता है, बाबा समझाता है, सिर्फ आत्मा समझने से भी बाप की शक्ति नहीं मिलेगी। याद न ठहरने का कारण ही है कि आत्मा समझकर याद नहीं करते हो। देखो, आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझकर याद करते हो, इसलिए याद टिकती नहीं। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं, ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी, क्योंकि समान हो गए ना। यह पहली श्रीमत ही प्रैक्टिकल में सदा लाते रहो, यही मुख्य फाउंडेशन है। पहला पाठ और आखिरी पाठ किसी भी स्कूल का,
या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का एक नहीं होगा। यहाँ पे स्कूल का भी पहला पार्ट वही है, कॉलेज का भी वही है और यूनिवर्सिटी का वही है, और सबके लिए वही है। तो बाबा कहे यही मुख्य फाउंडेशन है, अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो आगे चढ़ती कला नहीं हो सकती। अभी अभी चढ़ती कला अभी अभी नीचे आ जाएंगे। मकान का भी फाउंडेशन अगर पक्का ना हो तो दरार पड़ जाती है या गिर जाता है। ऐसे ही अगर यह फाउंडेशन मजबूत नहीं तो माया नीचे गिरा देगी। इसलिए फाउंडेशन सदा पक्का, सहज बात के ऊपर भी बार बार अटेंशन। सहज बात के ऊपर भी बार बार अटेंशन। अगर अटेंशन नहीं देते तो सहज बात भी मुश्किल हो जाती। तीसरी पार्टी के साथ अच्छा पूरा मतलब आज ही है शायद, पूरी मूवी खत्म करने। ठीक है, तीसरी पार्टी के साथ सदा यह नशा रहता है कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी आत्म है, हम ही थे, हम ही है, हम ही कल्प कल्प होंगे। देखो जो है उनको याद नहीं ना, जो इस चक्र में नहीं आता उसको बार बार याद दिलाना पड़ता, अरे तुम ही थे, तुम ही थे, तुम ही हो, तुम ही बनोगे। कल्प पहले का नजारा ऐसे ही स्पष्ट स्मृति में आता है। आज ब्राह्मण है कल देवता बनेंगे, हम ही देवता थे, या नशा रहता है क्या? इसलिए क्या करना पता है, मंदिरों में जाया करो। पहले भी जाते थे ना, पहले जाने का भाव और अभी का अलग। जाया करो, देखो तो सही नशा चढ़ता है क्या नहीं। पहले भी कहा था, हम सो हम, यह मंत्र सदा याद रहता है क्या? इसी एक नशे में रहो तो सदा जैसे नशे में सब बातें भूल जाती हैं, संसार ही भूल जाता है। तो ऐसे इसमें रहने से यह पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। ऐसी अपनी अवस्था अनुभव करते हो क्या? तो सदा चेक करो, आज ब्राह्मण कल देवता, यह कितना समय नशा रहा? जब व्यवहार में जाते तो भी यह नशा कायम रहता है कि हल्का हो जाता है? देखो व्यवहार में भी ये बहुत बात जरूरी है, जैसे ऑफिस जाओ कहीं जाओ कि भाई कोई मान दे, ये दे, मतलब कुछ भी दे, अगर ये भाव है तो हम देवता हुए क्या? नहीं हो सकते। मुझे देना है सबको सब कुछ, अच्छी बातें मेरे से मिल जाए सबको, है ना? चैतन्य देवताएं हम हैं, ऐसा हम खुद अनुभव करेंगे तो बाकी अनुभव करेंगे ना। तो बाबा क्या कहे, जब व्यवहार में जाते हो तो भी यह नशा कायम रहता है कि हल्का हो जाता है? जो जैसा होता है उसको वो याद रहता है। कैसे बाबा कहते हैं ना, एकदम सटीक बात, जो जैसा होता है उसको वो याद रहता है। जैसे प्रेसिडेंट है, वह कोई भी काम करते या नहीं भूलता है कि मैं प्रेसिडेंट हूं। तो आप भी सदा अपना अपनी पोजीशन याद रखो, इससे सदा खुशी रहेगी, नशा रहेगा, सदा खुमारी चढ़ी रहे। हाँ, सदा खुमारी चढ़ी रहे, नशा भी, खुशी भी और खुमारी भी। देखो हम ही देवता बनेंगे। अब भी ब्राह्मण चोटी है, ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है। इस नशे को माया कितना भी तोड़ने की कोशिश करे लेकिन तोड़ ना सके। देखो नशा उतारने का कोई, माया के पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई रेसिपी नहीं, कोई तरीका नहीं, और ताकत ही नहीं है माया के पास कि नशे वाले इंसान को, नशे वाले ब्राह्मणों को वो कुछ कर सके। नहीं, माया आती तभी है जब अकेला कर देती है, बाप से किनारा करा देती है। डाकू भी अकेला करके फिर वार करते हैं ना,
डाकू का उल्टा करो, कूड़ा, जिनके दिमाग में कूड़ा कचरा भरा होता है ना, उन्हीं को माया कर देगी काम तमाम उनका। इसलिए सदा कंबाइंड रहो, कभी भी अकेले नहीं होना। मैं और मेरा बाबा, इसी स्मृति में कंबाइंड रहो। चौथी पार्टी, सभी अपने को महान भाग्यशाली समझते हो ना? देखो कितना बड़ा भाग्य है जो वरदान भूमि पर वरदानों से झोली भरने के लिए पहुंच गए हो। ऐसा भाग्य विश्व में कितनी आत्माओं का है? ऐसा भाग्य विश्व में कितनी आत्माओं का है? कोटों में कोई और कोई में भी कोई, और उसमें भी देखो मधुबन धरती पे जाना, बार बार जाना, बाबा मिलन करना। हाँ, जैसे कोई भी वहम अपने दिमाग में पाल के मत रखना, अभी बाबा कहाँ आते हैं, अभी बाबा मिलन कहाँ होता है, वहां पे भी टीवी पे देखना, यहाँ पे भी टीवी पे देखना। पता है, अपने आप को ऐसे अंधेरे में मत रखिएगा, ज्ञान का सूरज अभी भी वहां पर आता है। भगवान डेट दे और मिलने ना आए, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, आते हैं बाबा। अब तो हम बल्कि कहते हैं, अब तो डेट देने की भी जरूरत नहीं उसको। अभी तो ऐसा मौसम है कि जब भी जाओ मधुबन पे, जब से दादी अव्यक्त हुई है, अब बाबा ने अपना घर ही जैसे बना दिया है, जब भी जाओ बाबा मिलन है। बस वो भाव अपने अंदर होना चाहिए। ऐसे कभी नहीं सोचना कि बाबा नहीं आता है, हम क्यों इतना कष्ट करके मधुबन जाए। जी बिल्कुल भी नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं सोचना। तो बाबा कहे, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, मतलब ये ऐसे हुआ, जब बाबा आते थे तब तो हम ज्ञान में नहीं थे, और अब आए हैं तो ज्ञान हम में नहीं है, मतलब वही के वही है, हम पहुंचे ही नहीं है हम। पहले तो वही रिग्रेट्स की, बाबा जब थे हम ज्ञान में नहीं आए, अरे बाबा अभी भी है। ठीक है, अनुभव अभी भी लोगों को हो रहे हैं, लोगों का पता नहीं, अपने को तो होते हैं। ठीक है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, तो सदा तो यह खुशी सदा रखो कि जो सुनते थे, वर्णन करते थे, कोटों में कोई कोई में भी कोई आत्मा, वह हम ही है। इतनी खुशी है क्या? पूछते बाबा क्या करे, खुशी के गुब्बारे फोड़ के आवाज करके सुनाए आपको बाबा। क्या बोले बाबा, इतनी खुशी है क्या? सदा इसी खुशी में नाचते रहो, वाह मेरा भाग्य, यह गीत, यही गीत गाते रहो, और इसी गीत के साथ खुशी में नाचते रहो। यह गीत गाना तो आता है ना, वाह रे मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा वाह, यह गीत गाते रहो। बहुत लकी हो, सिर्फ लकी बाबा। बहुत लकी हो, बाप तो सदा हर बच्चे को लवली बच्चा ही कहते हैं, तो लवली भी हो लकीएस्ट। हाँ यही चाह रहे थे हम, लकीएस्ट बोलो आप। हाँ, तो लवली भी हो लकीएस्ट भी हो, कभी अपने को साधारण नहीं समझना, बहुत श्रेष्ठ हो। भगवान आपका बन गया तो और क्या, सुना क्या, भगवान आपका बन गया तो और क्या। जी हो गई, तो मुरली का हेडिंग क्या था? रूह, रूहे गुलाब की विशेषता। तो अभी 1 मिनट हम साइलेंस दीदी याद किया दीदी था? नहीं, दो लाइनें और है, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, क्योंकि चलो ठीक है, बुक में पूरा नहीं है। थैंक यू दीदी। ठीक है। हाँ, तो भगवान आपका बन गया तो और क्या चाहिए, जब बीज को अपना बना दिया तो वृक्ष तो आ ही गया ना। तो सदा इसी खुशी में रहो, आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुशी में नाचते रहेंगे। याद प्यार है क्या मुरली में? नहीं है, नहीं है दीदी। चलो ठीक है।
देना है किसी को या फिर या हम ही दे, अगर देना है किसी को तो फटाक से माइक अनम्यूट करके याद प्यार दे सकते हैं। देना है पंकज भाई आपको देना है, ठीक है तो क्या याद प्यार देंगे बाबा को? ओम शांति प्यारे बाप दादा को, हम रूहानी गुलाब बच्चों की, हम वीआईपी बच्चों की, हम बाबा के नूरे रतन बच्चों की याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया दीदी। तो बाबा को याद प्यार देते हैं कि हमें एक ही गीत बार बार याद दिलाने वाले, वाह रे मेरा भाग्य वाह मेरा बाबा वाह ड्रामा वाह, और हमें हमारे ही लक की याद दिलाकर हमारा सदा बन कर रहने के लिए, ऐसे बाप दादा को हम सब की तरफ से ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। तो अभी 1 मिनट हम क्या करेंगे पापा को, जो भी मैपन और मेरापन है ना उसको पूरा समर्पण कर दो, और बाबा से ना ट्रस्टी भाव का वरदान लेकर आओ। ठीक है, सूक्ष्म वतन में जो भी सारी ये ले लो बाबा, मैपन की टोकरी, ये मेरेपन की टोकरी, ये बोरी मैपन की, ऐसे छोटी छोटी जो भी है 1 मिनट के अंदर जितना भी स्मृति में आता है दीजिए, और फिर हम उसके बाद मुरली के पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति। अच्छा जी, बोलिए क्या क्या दीदी, कर। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एक तो पार्टियों के साथ, लेकिन टीचर्स के साथ भी पापा ने कहा, और आप टीचर आ गई है, बहुत ही अच्छे से मजा आ गया मुरली सुनने का। पर पॉइंट शेयर करने के पहले हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपने कहा ना कि डिस्कशन के टाइम याद दिलाना, पॉइंट टू, पहले श्रीमत के ऊपर अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, उसके ऊपर से आप कुछ कहने वाले थे। जी, जैसे हम आप भी जानते हैं हमेशा हम वो कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, और फिर बाबा ने क्या कहा, आत्मा समझ कर याद करो। पहले तो समझना, ये जो बात है ना आत्मा समझना है बहुत सिंपल और है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि दो कॉम्प्लिकेटेड चीजें रहती है जिसके आधार से तीसरी कॉम्प्लिकेटेड चीज हमने बना दी है।
वो है संस्कार, हाईएस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज, पता ही नहीं चलता अंदर क्या क्या भरा हुआ है। और दो कॉम्प्लिकेटेड चीजें, मन और बुद्धि, भटकने से फुर्सत नहीं है इनको, और फिर थक के आ जाते हैं और कुछ नहीं करने देते हैं। मन कहीं और भटकने जाता है, बुद्धि कहीं और भटकने जाती है, और भटक के वो सारी धन वो संस्कारों के अंदर पड़ जाती है, और संस्कार कभी भी कुछ भी करने लग जाते हैं। फिर पता चलता है, अच्छा ये मेरे संस्कार है, फिर उसी का आधार हम लेते हैं कि ये मेरे संस्कार है, मेरे स्वभाव है ना। तो आत्मा समझना, माना ये जो सारी बातें हैं ना, ये हमारी बुद्धि में आनी ही नहीं चाहिए। आत्मा समझा माना टोटल हम अनादि स्वरूप में हमारे चले जाए। जो बाबा कहता ना, जो एकांत, एकाग्र, एक मत, एक रस, तो ये तीनों चीजें एक हो जाए। और जो बिंदु समझना, बिंदु को याद करना और बिंदु लगाना, तो ये वाली बात आ जाए। उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा काम मन पे करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बुद्धि पे करना पड़ेगा ना। मन बुद्धि पे काम करेंगे तो संस्कार ऑटोमेटिकली वैसे बनते जाएंगे। तो आत्मा समझना ये बात है, और फिर आत्मा समझ कर याद करना बाबा को, जो हमेशा हम कहते हैं देखो कि मन को मन की तार जुड़ा दो, बुद्धि बुद्धि को जोड़ दो, और संस्कार संस्कारों को जोड़ दो। किसके? बाबा के साथ। और बाबा का मन कैसा है? अरे इतना मस्त मन है ना उसका, इतना प्यार भरा हुआ है। उसके मन के किसी भी कोने में जाओ, यही मिलेगा सब अच्छा। तो मेरा मन उसके साथ जुड़ा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? मेरे मन में ये सारी बातें आ गई है क्या? जैसे मैं भी अपने मन में झांक के देखूं तो उतनी निर्मलता, उतनी स्वच्छता, उतनी स्पष्टता, उतना प्यार, उतना बेहद का भाव है क्या? तभी समझू कि मैं बाबा को याद कर रही हूँ, राइट ट्रैक पर हूँ। जिसके प्रति मुझे मन में थोड़ा भी ऊपर नीचे था ज्ञान में आने से पहले, और अभी वो व्यक्ति मेरे सामने आती है, तो वही परसेंटेज है क्या? अगर है तो माना मैं बाबा को याद, आत्मा समझकर बाबा को याद नहीं कर रही हूँ। साधारण व्यक्ति, मतलब जो बाबा ने कहा ना कि साधारण शरीरधारी समझ कर याद कर रही, तभी तो वही परसेंटेज है ना उस व्यक्ति के लिए। अभी भी वही घृणा भाव या नफरत, ईर्ष्या, जो भी, ठीक है? तो आत्मा समझ कर पहले तो समझो, अपने आप को समझो कि कहाँ कहाँ मन के किस कोने में काम करना है, बुद्धि को कहाँ भटकना अच्छा लगता है, वो ट्रिगर पॉइंट या वो स्थान पकड़ लो, और ये जो बुद्धि के ताले निकाल के उस स्थान को लगा दो कि वापस बुद्धि वहां जाए नहीं, है ना। कौन से संस्कार मुझे ज्यादा परेशान करते हैं, ये पहले समझने की बात है। और तभी तो जैसे डॉक्टर के पास जाके बताते हैं ना ये प्रॉब्लम है, वैसी बात है कि बाबा को याद तो करना है, बट वो याद कहाँ मेरे काम में लानी है, मुझे मुझे पता होना चाहिए, है ना। ये सारी बात खुद को जानने की है, उसके बाद खुदा की मदद मिलेगी, नहीं तो मिल ही नहीं सकती, ठीक है? तो ये बात थी थोड़ा शॉर्ट में कहे तो। जी दीदी, थैंक यू सो मच। मुरली थोड़ी आज लंबी थी सेकंड पार्ट, तो दीदी आप होमवर्क भी दे दें प्लीज, क्योंकि थोड़ी मिनट ही बाकी है समाप्ति के पहले। अच्छी पॉइंट शेयर करे कोई, पहले एक दो लोग, अभी 9:40 हुआ है, बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति दीदी। तो जैसे बाबा ने कहा कि तुम अवतरित हुए हो, ऊपर से आत्मा नीचे आई है, तो यानी ऊपर से जब आती है तो आत्मा बिल्कुल सत्व प्रधान होती है, तो वो ही स्मृति में रहे। तो इसमें फिर बाबा ने आगे बोला कि आप नीचे से ऊपर मत जाओ, तो हम तो नीचे से ही ऊपर जा रहे हैं ना दीदी, इसको अगर आप थोड़ा सा और समझा दें। थैंक यू। जी
नहीं, अभी वो देखो संकल्प की ही बात है ना, बाबा ने कहा ऊपर से नीचे आओ और हम नीचे से ऊपर जाते हैं, वैसे नहीं है ना। तुरंत आत्मा समझा तो तुरंत घर याद आना चाहिए। जैसे अब मम्मी को याद किया तो क्या याद आता है दीप्ति बहन? मम्मा का घर याद आता है? नहीं आता है जी। है ना। तो वैसे आत्मा समझते ही आत्मा का घर याद आ जाए, जो बाबा कहते हैं ना, आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। अब आत्मा तो समझ लिया, अब इसी शरीर में हूं ये नहीं। और बाबा ना वैरायटी याद की बातें सिखाता है। आज अवतार के ऊपर अगर योग करना है तो कैसे करना है? ऊपर से नीचे आ रहा है, आत्मा मैंने समझा, बट कौन सी आत्मा? जो बाबा ने कहा ना, परमधाम निवासी समझो, ठीक है ना। तो आत्मा समझ लिया तुरंत परमधाम, और फिर ऊपर से कैसे? ऊपर से बाबा कैसे आता है? वैसे मैं भी आई हूं बस। और मैं परमधाम में कैसी थी? परमधाम में जो भी आत्मा रहती है वो कैसी रहती है? सत्व प्रधान, चाहे वो टेररिस्ट की क्यों ना हो, बट उसके सत्व प्रधानता की डिग्री बहुत कम रहती है, क्योंकि प्योर फॉर्म में जाए बिना आत्मा वहां रह ही नहीं सकती ना। हर किसी को अपनी प्योरिटी का परसेंटेज प्राप्त कर कर ही जाना है। अब हमारा सत्व प्रधान लेवल और त्रेता में उतरने वालों का सत्व प्रधान लेवल अंतर रहेगा, ठीक है। अभी बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे, और हम समझ पा सकते हैं कि हम सत्व प्रधान हैं, हम अवतार हैं, समझ सकते हैं हम इजीली, क्योंकि अव्यक्त उंगलियों का अध्ययन करने वाली आत्माएं साधारण नहीं हो सकती। समझा? जी दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा ने बताया है कि हमें कल्प कल्प के अधिकारी उनका नशा होना चाहिए कि हम भी कल पहले देवी देवता थे, आज ब्राह्मण है, फिर कल हम देवता बनेंगे। यानी हम सब का मंत्र याद रखना है, इस नशे में रहना है कि हम भी देवता थे, अभी हम बन रहे हैं, अभी ब्राह्मण है और कल देवता बनेंगे। हम कोटों में कोली है, हम सौभाग्यशाली, परमात्म सौभाग्यशाली है, इस नशे में रहना है। ओम शांति। जी बोलिए, अंकुर भाई बोलिए आप। और वैसे भी ओम शांति। सिस्टर, अभी आपने जो बताया कि बुद्धि, अपने संस्कार, अपने खुद मतलब चिंतन करके देखें कि कहाँ कहाँ बुद्धि हमारी भटकती है, और फिर बुद्धि के ताले वहां लगाएं जो व्यर्थ में भटकती हैं। तो आप प्लीज, अगर ताले कैसे लगाएं, मतलब इस पे अगर थोड़ा और आप बता पाएं। थैंक यू। हाँ, जैसे बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारे ताले खोलने आया हूँ, गोदरेज का ताला लगा हुआ था तुम्हारी बुद्धि को, तो ये संकल्प की बात है। बाबा इधर का खोल दिया ना, अब मैं वहां लगाती हूँ, इस पर्टिकुलर जगह पर मेरी बुद्धि जाती है। और ना बाबा, मैं ताला तो आप ही लगाना, इधर से निकाला बाबा को काम पे लगा दो, है ना। ऑल द टाइम वो 5,000 साल फ्री रहने वाला है अंकुश भाई, अंकुर भाई, तो उसको बोलो कि ताला लगा दे, और ये कंफर्म करो बुद्धि को। और देखो, एक प्रयोग करके देखो आप, है ना, कि जैसे आजकल होता है एक एक ताले में ना, एक एक चाबी से 10 ताले लग जाते हैं, माना ऐसे राउंड राउंड घुमाओ तो 10 बार घुमाने के बाद वो ताला लॉक होता है। तो 7 दिन एक्सपेरिमेंट करो योग का, जो बाबा कहते हैं ना योग का प्रयोग। बाबा ने आज एक बार घुमा दिया, बस अब यहाँ मेरी बुद्धि आएगी नहीं, दूसरी बार जाओ वहां पे, फिर ताला लगा दो, फिर वो घुमाओ, एंड जस्ट सी इट, इट हैपेंस। सारा संकल्प का खेल है अंकुर भाई, सारा संकल्प का, ठीक है, करके जी जी देखें। थैंक जी थैंक यू थैंक यू। ओम शांति। शेरू भाई पोल डाल दीजिए आप तब तक। अच्छा, तारा बहन बोलिए। जी दीदी, मेरा क्वेश्चन है, हम कभी कभी जब अपने ब्राह्मण फैमिली से मिलते हैं तो हम वो पूछते हैं आप कैसे हो, लेकिन बाबा ने बोला है कि ये भी गलत है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। तो हम किस तरह से बात करें, ये ऐसे पूछना नहीं चाहिए, तो कैसे हम उनको
ग्रीट करें। ग्रीट तो ऐसे ही करना है ना? कैसे हो, मतलब एकदम वैसे फॉर्मल कैसे हो कि बात पूछने की नहीं है, समझो, लेकिन आप खुद से बोलो, हम अच्छे हैं, आप भी अच्छे ही हैं, है ना, हम सब अच्छे हैं, ऐसे बोलो, नहीं? है ना, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, करके तो देखो आप कितना मजा आता है। मतलब वो अच्छा नहीं भी होगा ना तो भी अच्छा बन जाएगा। कभी कभी होता है ना, अपने ही सवालों के या पेपर के घेरे में हम रहते हैं, तो ऐसे करके देखो, हम अच्छे हैं और शायद आप हमसे भी अच्छे हैं, ऐसा बोल के देखें। ताराबेन ओम शांति बहन। जी, सारिया दीदी, थैंक यू। सारी सारी बहन, ओम शांति बहन। विशाल जी बोलिए बोलिए बोलिए। भाई बोल सकते हैं क्या? पूछ सकते हैं ऐसा? कैसे हो बोलने की बदले ऐसे बोल सकते हैं क्या? कैसे खुशहाल हो ऐसे पूछ हाँ सकते हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो दादी कहती थी ना, फरिश्तों की चाल, और हैं? ऐसे हाँ, वैसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मतलब जी कैसे हो ये वाली बात ना है, बाकी तो आप अपने अपने ग्रीटिंग, और ब्राह्मण तो बहुत सारे ग्रीटिंग के ये तैयार कर सकते हैं, है ना? थैंक यू थैंक शांति, तो पोल भरे सब, है ना? अभी आज तो बाबा ने मुरली में किया ही, देखो अनादि स्वरूप, देखो चमकता हुआ सितारा, फिर आदि स्वरूप, वो चमकते हुए सितारे ने वो चमकीला कंचन काया सोने का, हाँ, निरोगी शरीर लिया है, और फिर वो चमकीला तारा उस मूर्ति में नहीं है, बट उस चमकीले तारे की जो यादगार है, पूज्य स्वरूप, वो मंदिर में देखे, सोने की मूरत, जो भी देखनी है आपको, चांदी की, पीतल की, आपके ऊपर है, खुली छूट है। सोने की मूरत, हीरे के जेवर पहने हुए, मंदिर भी वो सोने का बना हुआ, अलग अलग रतन रखे हुए, हाँ, फिर ब्राह्मण बने हैं, एकदम ऐसी हालत में आके उसने अपना बना लिया, और इतना प्यार लुटा रहा है पहले दिन से लेकर आज तक, अभी तक, ऐसा कोटों में कोई, कोई में भी कोई मेरा भाग्य बना दिया, ऐसी मैं ब्राह्मण आत्मा, और फिर मेरा बन गया है तो मैं फरिश्ता बनकर सभी का भाग्य बनाने के लिए भाग्य की किरणें फैला रही हूं। मैं आज क्या कर रही हूँ? भाग्य की किरणें, कि मेरी एक-एक किरण सभी का भाग्य बना रही है ना? और हमें खुशी है, जब से कहा है स्मृति में नहीं रहा, ये अभी नहीं करते हैं शायद लोग, आज तो हम ज्वाइन हुए देखा तो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तक पोल खत्म हो तब तक हम एक बार तो कर ही सकते हैं, भले दिन भर याद ना हो, ठीक है? चलो चलो, और कुछ तो आज होमवर्क देना है ना, तो होमवर्क में वा रे मेरा भाग्य और वा मेरा बाबा, वा ड्रामा बाहा, ये कल 7 बार करें, 7 टाइम्स, तो सदा साथ रहेगा ये गीत हमारे, ठीक है? वा रे मेरा भाग्य, वा मेरा बाबा, वा ड्रामा बाहा, 7 टाइम्स, बस इतना ही बोलना है, मन ही मन बोलो, डांस करके बोलो, हाँ, कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं। ये तीन है ना, तो तीनों लोकों में अलग अलग अभ्यास, परम धाम में अलग स्मृति, अलग स्मृति में ना वहां पर बाबा के साथ, सूक्ष्म वतन में सारे एडवांस पार्टी के जो भी आत्मा है उनके साथ, और स्थूल वतन में डायमंड हॉल में बाबा आया हुआ है, और हम सब ये गीत गा रहे हैं हाथों में हाथ लेकर, तो ऐसे तीन वतन के तीन अभ्यास कर सकते हैं, 7 टाइम्स, ठीक है? कभी पीस पार्क में जाके करो, कभी पांडव भवन के आंगन में करो, हाँ, कभी डायमंड हॉल के वहां करो,
ऐसे सात जगह पर भी कर सकते हैं, या तीन जगह पर भी, या एक जगह पर भी, लेकिन 7 टाइम्स, तो सदा साथ रहेगा ये घी। ठीक, तो आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। शांति, थैंक यू शांति दीदी। शांति।